हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री से हमारी ये प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट साइन बी, सेकंड टेन सी, थर्ड सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी, फोर्थ साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी। और इसके लिए जो फिगर गिवन है ए बी सी इन विच डी इज पॉइंट ऑन बी सी और ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। यहां पर आपको 90 डिग्री गिवन है। नाउ उसके बाद डी सी 16, बी डी 5 एंड ए बी 13 गिवन है और हमें ये कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी अननोन साइड है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड यहां पर टू अननोन साइड है, एक ए डी और एक ए सी। तो अगर आप ए सी के लिए जाएंगे तो इस वाले ट्रायंगल में आपको ये साइड और ये साइड दोनों अननोन हो जाएंगी, तो ये आपका पहले नहीं निकल सकता। तो पहले आप इस वाले ट्रायंगल में आए तो यहां पर ए बी और बी डी गिवन है तो आपकी एक साइड निकल जाएगी। तो सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी यूज पाइथागोरस। तो फ्रेंड अब ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट ए बी होगा हाइपोटेनियस। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। नाउ ए बी 13 स्क्वायर, ए डी 5 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। नाउ 13 स्क्वायर 169, अब 5 का स्क्वायर 25 और ये साइड चेंज हो जाएगी, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस 25 इक्वल टू बी डी स्क्वायर। नाउ बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा आपका 144 और ये आया आपका 12। तो फ्रेंड अब हम इसको यहां पर पुट भी कर देंगे। नाउ अगेन यूज पाइथागोरस इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी। अब आपका आराम से एसी निकल जाएगा। तो ए सी डी के अपोजिट यानी 90 डिग्री के अपोजिट है तो हाइपोटेनियस भी हो गया। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए डी मीन्स 12 स्क्वायर, डी सी मीन्स 16 स्क्वायर, तो 144 प्लस 256। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट इन दोनों का सम 400 इक्वल टू 20। तो फ्रेंड आपकी सारी अननोन साइडें निकल गई हैं, इसको भी लिख लेते हैं 20। नाउ अब वन बाय वन हम ईच पार्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो वेरी फर्स्ट इज साइन बी। तो फ्रेंड साइन बी इस ट्रायंगल में है तो यहां पर हम इसको मेंशन करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। सबसे पहले साइन के फॉर्मूले की बात करते हैं तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर एडी और हाइपोटेनियस एबी, एडी 12 और एबी 13। नाउ सेकंड 10 सी, अब सी इस ट्रायंगल में है तो लेंगे इन ट्रायंगल एडी सी और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में आपका हो जाएगा ए डी और बेस हो जाएगा डी सी। तो ए डी 12 और डी सी 16, 4 3 4 4 16, तो ये आपका जाएगा 3/4। ओके फ्रेंड, नाउ थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड है आपका sec स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी। अब ये दोनों ही बी के लिए है यानी इस वाले ट्रायंगल में होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, नाउ sec आपका होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर। नाउ इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनियस ए सी, बेस बी सी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर ए डी, बेस
BC. Now AC 20, DC 16 whole square minus AD 12, DC 16 square. Now ये आपका जाएगा 400, 20 का square, 16 का 256 minus 144, 12 का square और 16 256. Now denominator same है तो difference directly आ जाएगा 400 minus 144 आपका आएगा 256, 256 से 256 cancel और आपका ये आंसर आ गया 1. तो फ्रेंड आई होप फर्स्ट थ्री पार्ट आपको क्लियर होंगे. सबसे पहले जो हमारी अननोन साइड थी उनको कैलकुलेट किया, उसमें सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया एबीडी क्योंकि इसमें हमें टू साइड गिवन थी तो हमारा एडी निकल गया. देन आफ्टर दूसरे ट्रायंगल में हमने फिर से पाइथागोरस यूज किया. अब यहां हम ऑलरेडी एक्स को निकाल चुके हैं और ये आपको गिवन है तो इससे आपकी थर्ड एसी 20 निकल गई. देन वन बाय वन फर्स्ट हमने साइन बी कैलकुलेट किया 12/13, टेन सी कैलकुलेट किया दूसरे ट्रायंगल में 3/4. नाउ थर्ड पार्ट में sec स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी इन ट्रायंगल एबीडी, इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो आपका आ गया 1. ओके फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड. फोर्थ एंड लास्ट पार्ट इसको भी देखते हैं. फ्रेंड फोर्थ पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी. फ्रेंड ये एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है बट यहां पर हमें इसको सॉल्व करना है. तो सी की बात करें तो सी आपका इस वाले ट्रायंगल में है तो इसे मेंशन कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी. नाउ साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस की वैल्यू हो जाती है आपकी बेस अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर. नाउ परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है ए डी और हाइपोटेनियस है ए सी स्क्वायर, प्लस बेस यानी कि डी सी और हाइपोटेनियस मींस ए सी स्क्वायर. तो ए डी का मतलब हो गया 12, ए सी मतलब 20 स्क्वायर, प्लस डी सी मींस 16/20 का होल स्क्वायर. नाउ 12/144/20 का स्क्वायर मींस 400 प्लस 16 का स्क्वायर 256 और 20 का स्क्वायर 400. तो फ्रेंड 400 डिनोमिनेटर में सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे तो ये ऐड हो गया आ जाएगा आपका 400, इससे कैंसिल और आपको मिला 1 इज योर आंसर. तो फ्रेंड हमने पहले बताया था कि आइडेंटिटी है इसका आंसर 1 आएगा और कैलकुलेट करके भी हमने देखा तो इसका आंसर 1 आएगा. ओके फ्रेंड थ्री पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट पार्ट को हमने यहां कैलकुलेट कर लिया. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली. थैंक यू.